नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल योदा स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद ग्रुप डी इसका पेपर हो चुका है, तो दोस्तों इसमें कितनी अटेंडेंस रही है, प्रीवियस ईयर इसका कट ऑफ क्या गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2018 में जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो इसमें कुल आवेदन कितने हुए थे, और जो 2019 से 22 जो इस बार की भर्ती आई ग्रुप डी की, तो इसमें कुल कुल आवेदन कितने हुए। ठीक है, अब आप देखिए 2018 के बारे में। दोस्तों, इसमें 2018 में कुल आवेदन हुए थे आपको आपके 18 लाख। ठीक है, और इसमें वैकेंसियाँ कितनी थी, तो इसमें टोटल वैकेंसियाँ थी 4,762, और इसमें पर सीट कंपटीशन कितना था, तो दोस्तों इसमें पर सीट कंपटीशन था 380 सीट। ठीक है, 380 बच्चों पे एक सीट। और यहाँ पे देखिए इसका कट ऑफ क्या गया था, तो इसमें उस समय इसका कट ऑफ गया था जनरल का 75, ओबीसी का गया था 70, एससी का गया था 63 और एसटी का गया था 58 नंबर। दोस्तों, अगर इसके मुकाबले में बात की जाए यहाँ पे 2019 से 2019 और 22 के बारे में, तो दोस्तों इसमें कुल आवेदन कितने हुए, तो 9 लाख। यानी कि यहाँ पे 18 लाख और यहाँ पे 9 लाख। दोस्तों, कितना आप गैप देख सकते हैं, इतना भारी गैप है। और यहाँ पे कुल वैकेंसियाँ कितनी थी, 4,762, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 4,730। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन कितना था पर सीट, 380, और यहाँ पे कितना है, तो 192। यानी कि इसके मुकाबले यहाँ पर बहुत हल्का कंपटीशन है। और यहाँ पे आपके बच्चे भी कितने पेपर देने हैं, बच्चे अगर 9 लाख हैं तो इसमें लगभग 50% बच्चे आपका स्किप करना है एग्जाम। ठीक है, 50 क्या, लगभग 40% से 50% के बीच। ठीक है, तो इतना मतलब स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 9 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 40% एग्जाम स्किप कर रहे हैं तो इसका कितना हुआ, मान लिया 50%, तो कितना 50% का कितना, 4 लाख, यानी कि 9 लाख का 50%, 9 लाख का यहीं पे निकाल लेते हैं 50%, तो लगभग यानी कि आधा, तो आधे बच्चे कितने, 4.5 लाख, 4.5 लाख, इतने बच्चे आपके लगभग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और कुल वैकेंसियां कितनी है, तो 4,730। और पर सीट कंपटीशन, अब देखिए यहाँ पे अगर पर सीट कंपटीशन 192 है, यहाँ पे 380, यानी कि बहुत घट गया है, यानी कि उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी कम जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल वैकेंसियाँ 4,730, अब इनका बुलाया कितना, तो इसका 3 गुना जो है आपका उस डीवी के लिए, सॉरी पेट के लिए, यानी कि पीईटी के लिए आपका इसका 3 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसमें आपका यहाँ पे इसका 3 गुना बुलाया जाएगा, तो इसका 3 गुना कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 3 गुना, इसका 3 गुना इसका लगा हुआ 3,000, 3×3=9, 3×7=21, 3×6=12 और 2×14, यानी कि लगभग 14,190, 14,190 बच्चे आपके इसमें पीईटी के लिए पास किए जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो पर सीट कंपटीशन कितना रह गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत कम कंपटीशन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर 4.5 लाख फार्म है, 4.5 लाख मतलब बच्चों ने अगर आपका एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे देखिए, और इसको हम डिवाइड करेंगे 14,190, तो आपका यहाँ पे निकल के कितना आएगा, लगभग 31 सीट, यानी कि आपका लगभग 31 निकल के आएगा, यानी कि 31, और 31 यानी कि एक एक सीट के लिए लगभग, मतलब एक एक सीट के लगभग 31 बच्चे आपके बैठेंगे एक सीट पर। ठीक है, तो आपका कंपटीशन यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना हाईएस्ट है, यहाँ पे कितना लो रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ, उसी हिसाब से मैं आपकी कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। ये इसको मिटा देते हैं, तो दोस्तों आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब मैं आपकी अगर जनरल की बात करूँ, तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ रहने वाले 65 से 68, 65 से 68, और ओबीसी का, तो ओबीसी का रहेगा 62 से 65, यानी 62 से 65, 62 से 65। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 से 62 नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 60 से 62। और यहाँ पे एससी का भी देख लेते हैं, तो एससी का कितना रहे, तो एससी का रहने वाला है 56 से 58 नंबर, 56 से 58। अब आ जाइए एसटी के बारे में, तो एसटी रहने वाला है आपका 50 से 52 नंबर। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।